नमस्कार, राजस्थानी किचन संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं स्प्राउट्स डोसा। डोसा ये हर किसी को पसंद आने वाला नाश्ता है, और अगर ये स्प्राउट्स का बना हो तो कहना ही क्या। स्प्राउट्स पोषक तत्वों और प्रोटीन से भरे होते हैं। ये कैलोरी में भी बेहद कम है, इसलिए ये बैलेंस्ड नाश्ता है, क्योंकि ये दिन की शुरुआत में शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो के अंत में इसको हेल्थ बेनिफिट्स बताए गए हैं, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्प्राउट्स डोसा रेसिपी। इसको बनाने के लिए लिया है मैंने 1 कटोरी काले चने, 1 कटोरी मूंग, 1 कटोरी सफ़ेद चने या छोले। इनको अच्छे से धोकर गलाने के लिए एक बाउल में रख दिया है और पानी में डुबो दिया है। इसको करीब 12 घंटे तक ऐसे ही रखना है। 12 घंटे बाद आप देखोगे कि सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से फूल गए हैं, परंतु अंकुरित नहीं हुए हैं। अब यहाँ आपको ध्यान यह रखना है कि केवल पानी में डुबोने से ये अंकुरित नहीं होंगे। इसके लिए हम इनको छान कर लेंगे और एक साफ कपड़े से ढक देंगे। 12 घंटे बाद इनको चेक कर लेना है। अब ये अंकुरित होने लग गए हैं। अगर आपको और अंकुरित चाहिए तो हर 12 घंटे में धोकर कपड़े से ढक देना है। अब इन स्प्राउट्स को एक मिक्सिंग जार में डाल दिया है। इसके साथ एक प्याज, एक हरी मिर्च, 2 टुकड़े अदरक, काली मिर्च, जीरा, हल्दी, नमक और धनिया पत्ती को ऐड करके ग्राइंड कर लेना है, और इसको मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें 2 चम्मच कॉर्न फ्लावर ऐड करके मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा बैटर तैयार है। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं और चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लिया है मैंने एक मिक्सिंग जार। इसमें रोस्टेड पीनट, ग्रीन चिल्ली, जिंजर, सॉल्ट, लेमन और थोड़ा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इसको एक मिक्सिंग बाउल में कलेक्ट कर लेंगे। एक फ्राई पैन में 1 चम्मच तेल ऐड कर लेते हैं, और गर्म होते ही राई, कड़ी पत्ता, 2 साबुत सूखी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा पका लेते हैं और तड़का लगा देंगे। चटनी तैयार है। अब डोसा बना लेते हैं। इसके लिए मैं पैन ले रही हूँ। पैन को घी से ग्रीस कर लेना है और पानी के छींटे लगाकर
टिश्यू पेपर से साफ कर लेना है। अब इसमें बेटर को डालकर अच्छे से फैला लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर रखना है। नीचे से थोड़ा पकने के बाद घी पेंट कर देना है। ये पककर तैयार है स्प्राउट्स डोसा। तो चलिए स्प्राउट्स हेल्थ बेनिफिट्स के फायदे भी जान लेते हैं। वैसे देखा जाए तो अंकुरित अनाज के अनगिनत फायदे होते हैं। शरीर फिट रहता है, मोटापा नहीं आता, पेट के लिए लाभदायक होते हैं, इसमें फाइबर कंटेंट होता है जो किसी भी तरह की पेट की बीमारी के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखता है, एनर्जी देता है, स्क्रीन के लिए तो रामबाण जैसा है। यानी एक अंकुरित अनाज के अनगिनत फायदे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।